तो दोस्तों आज हम KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों KGF चैप्टर 1 की कहानी कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में स्थित गोल्ड माइंस पर आधारित है। और दोस्तों KGF मूवी शुरू होने से पहले 1.5 सालों तक इस गोल्ड माइन की रिसर्च की गई थी ताकि इसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकें। तो दोस्तों इस मूवी के लिए साल 2022 से ही काम चल रहा था। इस फिल्म के लिए फिल्म के मेकर्स ने बहुत मेहनत की है। फिल्म में बताए गए सारे फैक्ट्स दुरुस्त है। फिल्म के सिनेमेटिक ग्राफिक्स पर काफ़ी बारीकी से ध्यान दिया गया था और फिल्म की स्टोरी में भी कई बार फेर बदल दिए गए थे। और इस फिल्म के लिए प्रशांत नेगी को एज अ डायरेक्टर चुना गया था। प्रशांत नेगी ने KGF मूवी से पहले मात्र एक फिल्म बनाई थी और वह मूवी देखकर उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। और इस मूवी के बाद प्रशांत नेगी को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था और इस फिल्म के लिए प्रशांत नेगी ने अपने 4 साल लगा दिए थे। वहीं इस फिल्म में सुपरस्टार यश को साल 2013 में ही साइन कर लिया था। साल 2013 में उनकी एक सुपरहिट मूवी आई थी गूगली और उस फिल्म को देखकर फिल्म के मेकर्स ने यश को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया था और यश ने भी इस फिल्म के लिए 2 सालों तक अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाई थी। दोस्तों KGF मूवी में काम करने वाले जितने भी लोग थे सभी के इंश्योरेंस कराए गए थे क्योंकि इस मूवी की शूटिंग जहां पर हो रही थी वहां पर जान का काफ़ी खतरा था और इस बात की जानकारी फिल्म के स्टार यश ने खुद एक इंटरव्यू में दी थी। तो दोस्तों KGF मूवी को देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि इस फिल्म में अच्छे खासे VFX का इस्तेमाल किया गया है तो आपको बता दूं कि फिल्म में VFX का नाम मात्र यूज़ के लिए किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन यानी कि कोलार गोल्ड माइंस में की गई थी और इस गोल्ड माइंस को दोबारा से रिक्रिएट किया गया था। दोस्तों KGF मूवी से डेब्यू किया था श्रीनिधि शेट्टी ने जो कि मिस कर्नाटका थी और मिस कर्नाटका बनने के बाद उनको काफ़ी सारे फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे और उन्होंने 7 फिल्मों को रिजेक्ट करके KGF मूवी को अपने डेब्यू के लिए फाइनल किया था। और इस फिल्म के बाद वे KGF चैप्टर 2 और चियान विक्रम की कोबरा मूवी में नजर आई थी। दोस्तों KGF चैप्टर 1 का टीजर रिलीज हुआ था फिल्म के हीरो यश के बर्थडे पर। वहीं KGF चैप्टर 2 का पोस्टर के फिल्म के विलेन संजय दत्त के बर्थडे पर रिलीज़ किया गया था। दोस्तों KGF चैप्टर 2 की शूटिंग KGF चैप्टर 1 के रिलीज़ होने के 3 महीने बाद ही शुरू हो गई थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि KGF चैप्टर 2 की कुछ शूटिंग KGF चैप्टर 1 के दौरान ही हो गई थी। दोस्तों KGF चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि रॉकी फिल्म के विलन करोड़ा को मार देता है और KGF में कब्जा कर लेता है। वहीं KGF चैप्टर 2 में हम लोग संजय दत्त का ऐसा विलन देखने वाले हैं। वे इस फिल्म में आधीर का किरदार निभा रहे हैं जो कि गरुड़ा के चाचा हैं। दोस्तों KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर 2020 के लास्ट में आने वाला था। वहीं फिल्म KGF चैप्टर 2 फिल्म रिलीज डेट जुलाई 2020 में रखी गई थी। अब कोरोना के चलते फिल्म कब रिलीज़ होगी कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारा नया चैनल है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।